जहां हम मार खाते हैं प्रचार, हम सही प्रचार नहीं कर पाते। मैंने कई सालों से देखा है, हमारी नीतियां सही हैं, हम जानते हैं, हम अनुभवी हैं, लोग हम पर विश्वास रखते हैं, पर हम 20% का काम करके हम 1% भी हम उसका प्रचार नहीं कर सकते। पर ये मोदी सरकार की खूबी देखिए, इतनी कुशल सरकार है, 1% करके 100% का प्रचार करती है। तो ये प्रचार करना भी एक बहुत उसमें भी एक बहुत कुशलता की ज़रूरत है। और प्रचार करने में, पैकेजिंग में, ब्रांडिंग में हमारे प्रधानमंत्री का कोई मुकाबला नहीं है। तो मैं नहीं कहता हूँ कि हम प्रधानमंत्री के बाद माफिक बार बार झूठ बोलते हैं, वो गलती से भी सच नहीं बोल सकते, पर वो ये बात ये है कि जो हमारी नीतियाँ हैं, जो हमने अलग अलग राज्यों में हमने काम कर दिखाया है, और आज हमारे कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 राज्य सरकारें हैं, कर्नाटक है, पंजाब है, और अभी 3 उत्तर भारत के राज्यों में आए हैं, अभी अभी आए हैं, पर फिर भी जो पहले के सरकार, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आप जानते होंगे, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन था, उसके माध्यम से अलग अलग राज्यों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी उपलब्धि हुई। आज पहले एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट हुआ करता था, आज करीब 13 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट बन रहे हैं अलग अलग राज्यों में, और ये सब हमारे कार्यकाल में हुआ, पर हम इसको इसका सही प्रचार नहीं कर पाए। इस चुनाव में मैं आपको कहना चाहता हूँ, 2019 के चुनाव में मुख्य मुद्दे क्या हैं? रोजगार एक मुद्दा है, किसान और खेत मजदूर की पीड़ा दूसरा मुद्दा है, और तीसरा बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य सुरक्षा। तो ये हमारे पार्टी के घोषणा पत्र में, हमारे अध्यक्ष के भाषणों में, वादों में ये बिल्कुल पूरी तरह से शामिल होगा। आप पढ़ते जाइए, आप देखते जाइए, और जितनी जानकारी आपको मिले उसका आप प्रचार करते करिए। अपने अपने इलाकों में आप अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, तो आप जिम्मेदार यूथ कांग्रेस वाले, उससे भी मैं कहूँगा, हमारे बड़े नौजवान जुझारू टोपी पहने वाले वैभव हैं, उनको मैं कहूँगा कि आप सब जानकारी इनको दीजिए और इनको अकाउंटेबिलिटी दीजिए कि आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो कांग्रेस पार्टियाँ की जो वादे हैं, जो हम कह रहे हैं घोषणा पत्र में, जो कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमारी प्राथमिकता होंगी, उसका आप प्रचार जनता में कीजिए। तो मुझे खुशी है कि मुझे ऐसा एक मौका मिला। आप लोग सब प्रैक्टिस करते हैं क्या? सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं सर? हम लोग प्राइवेट प्रैक्टिस, गवर्नमेंट भी प्राइवेट। कोई कॉलेज में पढ़ाते हैं कि नहीं? अच्छा, कॉलेज में पढ़ाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अरे क्वेश्चन बैठ जाओ यार, वो आप मैं जानता हूँ आपका क्वेश्चन क्या है। अब बैठ जाओ, पहले अब मैं जवाब दूंगा समझ लो सर। हम तो आप लोग सब सभी राज्यों से हैं? मैं सभी राज्यों से, जम्मू एंड कश्मीर से है कोई? नहीं आया। असम? यस सर, असम से, यू आर फ्रॉम असम। और राजस्थान? यस सर, राजस्थान से बहुत लोग हैं। राजस्थान है। पंजाब? पंजाब नहीं। ज्यादातर कौन से राज्य से है? यूपी। हाँ, यूपी। बिहार से है कोई? अच्छा, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ भी ज्यादातर उत्तर भारत से है। ये क्या डॉक्टर का सेल है आपके यहाँ यूथ कांग्रेस का? जयराम सर, मैं आप ये बताता हूँ, हम लोग पॉलिटिकल लोग नहीं है, हम एक सिंपथाइजर ग्रुप है कांग्रेस के लिए जो काम करते हैं वॉलेंटरली, और हमारी कोई टिकट की डिमांड नहीं है, डिमांड रिस्पेक्ट ओनली। वेरी गुड। आपको मैं आपको एक चीज कहूंगा, आप संस्कृत जानते हैं क्या? संस्कृत में एक बहुत पुरानी कहावत है, और ये प्रार्थना करते हैं, वैद्यराज नमस्तुभ्यम, वैद्यराज नमस्तुभ्यम, यमराज सहोदर। समझे? हे वैद्यराज, हे डॉक्टर,
मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, आप यमराज के छोटे भाई हो। यमराज यमस्सहोद यमस्तु हरति प्राणान त्वं तु प्राणान धनानि च। यमराज तो प्राण ले जाते हैं पर तू वैद्यराज न केवल प्राण ले जाता है पर धन भी ले जाता है। तो ये बहुत पुरानी कहावत है, हमारे उपनिषदों में कहा गया है, इसको हमें बदलना है, इसको ये बदलना है। और इसका ये कारण ये है कि स्वास्थ्य शिक्षा बहुत महंगा हो गया हमारे देश में। कैपिटेशन फी का जमाना था, अभी कैपिटेशन फी कानूनी तौर से बंद हो गया है, पर आज आप अगर आप देखें सभी लोग जाना चाहते हैं निजी कॉलेजों में, क्योंकि एडमिशन नहीं मिलता है। और निजी कॉलेज में जाने के बाद परिवार को ऋण देना पड़ता है, उनका दिवालापन हो जाता है। तो ये मेडिकल एजुकेशन का सुधार करना बहुत ज़रूरी है हमारे देश में। अगर हम मेडिकल एजुकेशन का सुधार नहीं करेंगे तो स्वास्थ्य सुरक्षा देने में हम असफल होंगे। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी, आज सुबह ही हमारी एक बैठक हुई इस विषय पर, और हमने ये तय किया है कि 15 तारीख को जब कांग्रेस अध्यक्ष छत्तीसगढ़ जाएंगे, वो एक वहाँ एक बड़ा भाषण करेंगे, और हमारी कांग्रेस पार्टी की ओर से स्वास्थ्य की क्या नीति होगी उसका विस्तार के रूप में वो बोलेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं डॉक्टर देश सर, मैं डॉक्टर रमेश कुमार प्रेमी एमपी से, मध्य प्रदेश से भोपाल से हूँ, और वैसे तो रहने वाला हूँ एक गांव से, जमुनिया टाक पटेरा डिस्ट्रिक्ट दमोह से हूँ। मैं वहाँ पर एमडी कर रहा हूँ सर, होम्योपैथी से एमडी, शासकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से 2016-17 से बैच शुरू हुआ सर। वहाँ पर जो आपने बोला है कि फीस का स्ट्रक्चर है, का बहुत बड़ा फीस स्ट्रक्चर है सर, 3 साल का 3 लाख रुपए शासकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में, जबकि शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज और वहाँ पर जो मेडिकल कॉलेजेस है उसकी फीस 3 साल की 1 लाख से कम है। अब ये बताइए कि सर, होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज के पढ़े बच्चों के लिए एक भी जॉब आज तक किसी सरकार ने नहीं दी है, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि 55 सीट है वहां पर, 25 तो इन सर्विस कोटे की है, बाकी जो सीटें हैं, 2019 में हमारा बैच पास आउट हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि ऐसे विशेषज्ञ डॉक्टर मध्य प्रदेश के 52 डिस्ट्रिक्ट में, कम से कम एक एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक विशेषज्ञ होम्योपैथी का जाए, आप एक उस पर मुहर लगा दीजिए सर। और ये प्रति वर्ष जैसे बैच निकलते हैं सर, वहां पर एक लौता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है हमारे मध्य प्रदेश का, और वहां की जनसंख्या 650 करोड़ से भी ज्यादा है, 6.5 करोड़ से भी ज्यादा है। अब वहां पर 80% लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, मैं उसी ग्रामीण क्षेत्र से आया हूँ, एक बहुत ही छोटे परिवार से आया हूँ, ऐसे लोग मर जाते हैं सर, लेकिन ऐसा नहीं है, होम्योपैथी में भी वैसा ही इलाज है जैसा एलोपैथी चिकित्सा पद्धति में है, और उसका उदाहरण हूं, मैं 12 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो सारी चिकित्सा पद्धति बराबर है और उनको बराबर स्थान दे सर और उनका इम्प्लीमेंट। थैंक यू। आप होम्योपैथी के डॉक्टर हैं क्या? जी सर, होम्योपैथी का डॉक्टर। MBBS भी है सर, MD भी है, और MD कर रहा हूँ सर, BDS भी है सर, यूनानी होम्योपैथी, सभी फिजियोथेरेपी भी है। देखिए, मोदी सरकार ने एक बिल लाया था पार्लियामेंट में, उन्होंने पेश किया था, वो आप तो जानते हैं एलोपैथी है और होम्योपैथी है, और ये तीसरा रास्ता ढूंढ निकाल रहे थे, क्रॉसपैथी। जो एलोपैथी है वो होम्योपैथी प्रैक्टिस कर सकता है, वो होम्योपैथी है वो एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकता है। हमने इसका विरोध किया, मैंने खुद विरोध किया, मैंने विरोध किया इसका, हालांकि हमारे देश के सारे यूनानी, आयुष, आयुर्वेद, सिद्धा, होम्योपैथी वाले मेरे घर पहुँच गए और कहा, सर हमें वो ब्रिज कोर्स की सुविधा होनी चाहिए और हमें प्रैक्टिस करने दीजिए, पर इसका हमने कड़ा विरोध किया। हमारे देश में आधुनिक सिस्टम की ज़रूरत है और इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का भी एक बिल्कुल 7 लाख आज यूनानी, आयुर्वेदा, सिद्धा, होम्योपैथी डॉक्टर हैं,
और बड़े बड़े डॉक्टर, आपके रमन सिंह तो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, वो क्या क्या है, आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक। तो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बिल्कुल पक्ष में हूँ मैं, पर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक जगह है, एलोपैथी एक जगह है, दोनों का सब मिलन नहीं होना चाहिए, माने एडल्ट्रेशन महागठबंधन नहीं होना चाहिए इनके बीच। थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर हमें महागठबंधन होना चाहिए, महामिलावट नहीं होना चाहिए।